तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे इवेंट मैक्रो। हमने पिछली क्लास में इवेंट मैक्रो के बारे में जाना था, अब इवेंट मैक्रो में कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। इवेंट मैक्रो प्रोग्रामिंग में मैं एक चीज और चाहता हूं कि मैं कहीं भी डबल क्लिक करूं तो कुछ ऐसा हो, या कुछ टाइप करूं तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए, या फाइल ओपन होते ही एक्सपायर हो जाए, ऐसी चीजें मैं करना चाहता हूं। हेलो। तो इसके लिए हम चलिए इस्तेमाल करते हैं अपने कोड पर। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि मैं यहां पे एक दिया एक्सेल और यहां पे मैं देता हूं वीवी, ठीक है। एक्सेल इसमें हमने यहां पे डैशबोर्ड और यहां पे हम फंक्शन देते हैं, फॉर्मूला देते हेलो और यहां पे मैंने दे दिया यूजर को। तो इस तरह से आप देखते होंगे कि प्लस माइनस का साइन होता है, क्लिक करने पे एक्सपेंड हो जाता है, क्लिक करने पे कलेप्स हो जाता है। तो मैं चाहता हूं उसी तरह का यहां बना कि मैं यहां एक्सेल पे डबल क्लिक करूं तो ये हाइड हो जाए, वापस डबल क्लिक करूं तो वापस अनहाइड हो जाए। तो ये चीजें हम करना चाहते हैं पीवीएम। तो इसके लिए मैं जाता हूं व्यू कोड, इंसर्ट, इंसर्ट मॉड्यूल करना है क्योंकि इवेंट मैक्रो है ना, इसमें डबल क्लिक किया और यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ पे बिफोर डबल क्लिक, बिफोर डबल क्लिक। अब यहाँ पे सिंपली मैं क्या करना चाहता हूं कि जो टारगेट है इस पर डबल क्लिक करते ही तीन और पांच उसके नीचे का, उस नीचे का रो, उसके नीचे का रो का हाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा टारगेट डॉट ऑफसेट, एक एक रो ऐसे भी दे सकते हैं लेकिन मैं यहां पे रेंज देता हूं। रेंज रेंज में स्टार्टिंग हमारा टारगेट है, टारगेट डॉट ऑफसेट 1.0, अगेन यहां पे टारगेट और यहाँ पे हमने ऑफसेट किया और इतना हमने कर दिया टू, जो भी आपका एंडिंग रो है वो डाल दीजिए डॉट जीरो कॉलम। और इसमें मैंने बोला एंटायर रो डॉट हिडेन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब मैं इस पे अगर डबल क्लिक करता हूं तो देखेंगे हाइड, बट वापस डबल क्लिक करने पे हाइड ही रहता है क्योंकि हमने यहां पे अनहाइड का ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, तो इसके लिए एक काम और करते हैं, हम यहां पे करते हैं डिम आर एज ए रेंज। और इसमें हम करते हैं ये पूरा का पूरा उठाते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहां पे लिखते हैं सेट आर इक्वल टू, हमने पेस्ट कर दिया। अब यहां पे आर इक्वल टू हिडन ट्रू हो, अब यहां पे कंडीशन होगा यहां पे कि इफ आर डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू देन आर डॉट हिडन हिडन इक्वल टू फॉल्स। और यहां पे else if r dot hidden equal to false है then r dot hidden equal to true, यहां पे एंड इफ। अभी गलत है क्योंकि यहां पे हमने एंटायर रो नहीं रखा हुआ है, अब चाहो तो यहां पे एंटायर रो दे दीजिए, एंटायर, ठीक है।
अब यहां पे हम करके देखते हैं, ठीक है, उसी तरह से यहां भी। बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ जो है A2 और A6 पे हो। तो यहां पे हम एक और ए पूरा का पूरा रेंज जो है इसमें हम करते हैं, यहां पे ए पे कंडीशन देते हैं, ऊपर ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इफ इफ टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल टू, यहां दे दीजिए डॉलर, क्योंकि और एड्रेस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से $A2, $A2, और यहां पे हमने दिया कि टारगेट डॉट एड्रेस इक्वल टू अगेन डॉलर, और ये कौन सा है, A6, A$6, देन ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, और यहां पे एंड, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे डबल क्लिक किया तो ये हो रहा है, यहां पे किया यहां भी हो रहा है। तो आप अभी वापस इस पे डबल क्लिक करेंगे ये हो जाएगा, अब कहीं और डबल क्लिक कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? अच्छा इसमें क्वेरी है, पूछिए। ये इसको कैसे पता चल रहा है कि वीबे के नीचे वाला ही हाइट करना है या एक्सेल के नीचे वाला ही हाइट करना है? हमने क्या दिया हुआ है, मैं आपने वीवो हमने बोला कि जहां पे डबल क्लिक हुआ, डबल क्लिक कहाँ हुआ, टारगेट पे। हाँ, उसके नीचे वाला कर दिया। हाँ तो हमने बोला कि उसके नीचे वाले से स्टार्ट करे और उसके नीचे वाले से 2 रो तक जाए, उसके इंटायर रो को ले, ठीक है। ठीक है, अगर हमको 3 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। हाँ, जितना रो करना उतना वो कर ठीक सकते, या भी आपको है लग, ठीक ठीक है ना। क्लियर है। हाँ है? क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा नेम और यहाँ पे हम अपना डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आएगा, जो कि कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मैं यहाँ पे पूजा लिखूं तो पूजा लिखते ही क्या हो कि इसके आगे डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ जाए, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। चलिए उसी को एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ इवेंट, यहाँ पे आते हैं, कौन सा है, इवेंट 2, इवेंट 2 पे आए, यहाँ पे हमने वर्कशीट और यहाँ पे हमने लिखा चेंज, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं अपना एप्लीकेशन डॉट Enable events इक्वल टू फॉल्स, और फिर इसी कोड को रन कर दे, क्योंकि ये 2 चीज तो चाहिए चाहिए, हमने कल इस पर डिस्कस किया था क्यों चाहिए। ट्रू। अब यहां पे हम लिखते हैं कि टारगेट डॉट ऑफसेट 0:1 रो डॉट वैल्यू इक्वल टू, हमने यहां पे दे दिया डेट, ठीक है। फिर अगेन टारगेट डॉट ऑफसेट, यहां पे हमने दे दिया 0:2 डॉट वैल्यू इक्वल टू टाइम, राइट। तो अब क्या होगा कि यहां पे जैसे मैंने मान लीजिए कि ओम टाइप करके एंटर मारा, तो ये देखिए डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली आ गया, आ गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको चेंज ना कर सकूं, कि जो भी मैं नाम लिखूं लिखने के बाद हम उसमें किसी तरह का करेक्शन ना कर सके, और मैं टाइप सिर्फ यहाँ टाइप जो कर सकूं, मतलब कि मैं जो टाइप करूं सिर्फ हमारा कॉलन ए में ही टाइप हो, इसके अलावा कहीं और टाइप ना हो, ठीक है सर। क्लियर है सर? यस सर। तो क्या करें इसके लिए? तो सबसे पहले वैनिटी मैं इस पे चलाने से पहले लिखूंगा सेल्स डॉट
लॉक इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और उससे पहले हम सीड को पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड के बारे में बात में करते, पासवर्ड देंगे। और यहां अनलॉक हो गया, इसके बाद हम लिखेंगे रेन या फिर जो सीट है हमारा एक्टिव सीट, एक्टिव सीट डॉट, सीट वन डॉट यूज्ड रेंज डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, सीट वन की जगह पे एक्टिव सीट, ओके। और मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ कॉलन वन में ही करूं और कहीं ना करूं, तो यहां पे रेंज ए रेंज ए 65,000, नहीं यहाँ पे ए वन करते हैं, ए वन से डॉट, नहीं ये सही नहीं रहेगा, मैं सिर्फ टाइप करना, मेरा टाइपिंग जो एक तो यहाँ यहाँ तक तो ये हो गया कि अब सिर्फ जो सही टाइपिंग होगी वो सिर्फ ए इसमें होगी, एक बार जो टाइप हो गया उसमें किसी तरह का टाइप नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं चाहता हूं कि हम टाइप वहीं पे करें, सिर्फ कॉलन ए में टाइप करें, बाकी में हम टाइप करेंगे, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए हम सिंपल सा ऊपर यूज रेंज है उसकी जगह पे हम लिख देते हैं रेंज ए बाय, एक मिनट, सेल्स डॉट लॉक इक्वल टू रो, ठीक है। और रेंज ए बाय ए डॉट लॉक इक्वल टू फॉल्स, चलिए अब सही हो गया। अब यहां पे हमें सीट को लॉक करना है ऊपर, यहां पे सीट वन एक्टिव, यहां पे एक्टिव सीट डॉट प्रोट पैक पासवर्ड में 1 2 कर दिया हमने, और सेम यहां पे लास्ट में एक्टिव सीट, नहीं यहां पे प्रोटेक्ट वाला सिस्टम, यहां वहां पर अनप्रोटेक्ट होगा, यहां पे हम क्या नीचे क्या करेंगे पासवर्ड लगा देंगे और ऊपर क्या करेंगे अनप्रोटेक्ट पासवर्ड हटा देंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं पासवर्ड हटाऊंगा, पूरे सीट के लॉक को हटा दूंगा। अब पूरे सीट का लॉक का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा जो राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल में जाते हैं और प्रोटेक्शन के अंदर जो ये लॉक होता है ना इसको अनचेक कर दिया। उसके बाद हम अपना डेटा जो एंट्री है वो डेटा एंट्री करते हैं, उसके बाद पूरे सेल को वापस लॉक कर देता हूं, ठीक है। और फिर कॉलन ए कॉलन को मैं अनलॉक कर, क्योंकि मुझे एक कॉलन में ही टाइप करना है, तो कॉलन ए को अनलॉक कर देता हूं। उसके बाद हम यूज रेंज को लॉक कर देते हैं, जो टाइप हो चुका है उसको लॉक कर देते हैं, और फिर पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देते ताकि कोई अनलॉक ना कर सके। तो चलिए इसमें देखते हैं, एक बार इसको रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपने सीट को प्रोटेक्ट करना होगा मैनुअली, एक फर्स्ट टाइम बस 1 2 करके हमने प्रोटेक्ट कर दिया। अब यहां पे जैसे मैं यहां पे इंदर लिखते, एक मिनट, ओ
एक बार क्या करना होगा, पूरे सेल को चलाना होगा। एक बार इसे अनलॉक करता हूँ, एक गलती और कर दिए। फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई करने से पहले ये पूरे सेल को अनलॉक करना होता है, एक बार सिर्फ, पहले फर्स्ट टाइम। अब इसमें प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म किए। अब यहां पे क्लिक कर, अब यहां पे लिखता ओम, टाइप हो रहा है एंटर मीन्स किए। यहां पे देखिए उदय टाइप हो रहा है, हो रहा है। अब मैं मान लीजिए ओम को ओम प्रकाश करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता, तो किसी तरह के चेंजिंग नहीं कर सकता। अब यहां पे कुछ टाइप करना चाहूं नहीं कर सकता। अब मैं टाइप सिर्फ कॉलन ए में ही कर पाऊंगा, और वो भी नीचे ब्लैंक बार, इसके ऊपर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब समझिए इस कोड को क्या किया। सबसे पहले हमने इवेंट किया कि शीट टू पे जाना है, और वर्कशीट और चेंज को मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि एप्लीकेशन एनेबल इवेंट इक्वल टू फॉल्स किया। उसके बाद एक्टिव सीट डॉट अनप्रोटेक्ट किया मैंने, क्योंकि मेरा सीट ऑलरेडी प्रोटेक्ट है। पूरे सेल की लॉक को हटा दिया मैंने। फिर हमने अपनी डेटा एंट्री की, उसके बाद पूरे सेल को वापस लॉक लगा दिया, कॉलन ए का लॉक जो है लॉक हटा दिया। और फिर पूरे यूज रेंज, जितना एरिया में डेटा टाइप हो रखा है इंक्लूडिंग कॉलन ए, हमने लॉक लगा दिया, और फिर यहाँ पे सीट को प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये चीजें बार बार टाइप करते ही क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, सीट को अनलॉक करेगा, क्योंकि अनलॉक जब तक नहीं होगा तब, अनप्रोटेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकता। फिर पूरे सेल्स को अनलॉक करेगा, डेटा एंट्री करेगा, फिर सेल्स को लॉक लगाएगा, कॉलन ए को अनलॉक करेगा, यूज रेंज को लॉक करेगा, फिर सीट को पासवर्ड डाल। ये चीज हर एक डेटा एंट्री पे करेगा, और जिसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा निकला है। तो ये हमारी सीट इवेंट थी। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, जिस पे आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप सर बोलिए। कोई कुछ नहीं है, आएगा आगे आएगा कल जरूरी। जैसे हम लोग सम इफ या काउंटिंग यूज करते हैं, हाँ तो तो वो हम वीबीए में कैसे यूज करेंगे, उसका कुछ आइडिया है क्या? बताऊंगा, ये आपका एक ही क्लास बाद है, कल से आई थिंक वो शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि तो उसका काम पड़ता है मुझे। आगे बढ़ते। तो ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। सीट इवेंट के बाद हम बात करेंगे वर्कबुक इवेंट का। वर्कबुक, जैसे मैं कोई मैक्रो रन करना चाहता हूं तो वर्कबुक के ऊपर, तो जैसे दिस वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप वर्कबुक को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको क्या मिलेगा, ऐड मिलेगा। सिर्फ एक्टिवेट करना, या ऐड इंस्टॉल करना, या आफ्टर सेव, या बिफोर क्लोज, या प्रिंट, या बिफोर। जैसे आप चाहते हैं कि मेरा फाइल क्लोज होने से पहले ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, तो हमने लिख दिया बिफोर क्लोज, और यहाँ पे लिख दिया एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। ठीक है, तो क्या होगा, फाइल क्लोज करने से पहले आपका वो ऑटोमेटिक सेव कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, बिफोर प्रिंट, प्रिंट करने से पहले आप चाहते हो कि प्रिंटर की कनेक्टिविटी चेक कर ले, या मैसेज दे दे कि योर, या कुछ और चेक कर ले। ठीक है ना, उसके बाद आता है बिफोर रिमोट चेंज, बिफोर सेव, सेव करने से पहले, डीएक्टिवेट, मोड चेंज, न्यू चार्ट, न्यू शीट। हमने न्यू शीट ले लिया, वैसे तो जब भी मैं सीट इंसर्ट करूँ मुझसे सीट का नाम पूछे, जो नाम डालू वही सीट के नाम एंट्री करे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि एम, यहाँ पे डिम एन एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वल टू इनपुट बॉक्स, और यहाँ पे हमने डाल दिया कि एंटर सीट नेम। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ देखिए एस एच है ना, यहाँ पे लिख देते हैं एस एच डॉट नेम इक्वल टू एन। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कोई सीट इंसर्ट करेंगे, एक नई सीट इंसर्ट करते हैं, उसे पूछे सीट नेम, सीट नेम में मान लीजिए मैं डाल दिया डी टी, एंड देन ओके करते हैं, इसका नाम डी टी हो गया। ओके सर,
तो ये हम क्या करते हैं, अपना सीट इंसर्ट करते समय न्यू शीट्स में। उसके बाद यहाँ होता है कि इसके बाद कोई भी सीट एक्टिवेट करे या कोई भी सीट को डिलीट करे, सीट बिफोर डिलीट दिख रहा हो, उसका डबल क्लिक, कैलकुलेट, चेंज। आप किसी भी फाइल, किसी भी सीट पे कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉलो हाइपरलिंक, कहीं हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं, उसका पिवट टेबल का अपडेट है, या फिर विंडोज एक्टिवेट, डिक्वेट या मिनिमाइज मैक्सिमाइज करते हैं, तो उस पर आपका कोर रन हो जाए। तो ये सारे आपके क्या है, कोड। कोड जो है वही है जो आपने अभी तक सीखा है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। बस ऊपर का जो बाइबल वगैरह है उसका यूज आप कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और है जो मैं सिखाना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों से एक प्रॉमिस लेता हूं, प्रॉमिस ये लेता हूं कि आप लोग इसको यूज ऑफिस में ना करें। मैं फाइल के अंदर एक्सपायरी डेट लगाना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर डेट पे मेरा फाइल ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए, लॉक हो जाए या खुले ही नहीं, या कुछ और करना चाहता हूं। तो उस केस में वर्कबुक और यहां पे मैं लूंगा ओपन। अब यहां मैं करता हूं दो वेरिएबल, पहला डिम स्टार्ट डेट मैंने केस टी एज ए डेट, और डिम बी एज ए डिफरेंस के लिए हमने लॉन्ग ले लिया। अब यहां करता हूं मैं एस टी इक्वल टू, अब यहां पे मैंने स्टार्ट डेट सेट कर दिया कि हमारा स्टार्ट डेट है 1 दिसंबर 2023, फिक्स कर दिया मैंने। अब मैं यहां पे डी इक्वल टू हमने बोला टुडे, मतलब कि डेट माइनस एस टी, डिफरेंस निकल गया। अब मैं यहां पे कंडीशन दूंगा कि इफ एस टी इज एस टी माफ कीजिए डी डी इज ग्रेटर देन 30, या जो भी डेट डिफरेंस है आपको, देन ग्रेटर देन 30, तो क्या हो जाए, यहां पे लिखे कि एप्लीकेशन नहीं एक्टिव, एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड। तो यहां पे सबसे पहले मैं पासवर्ड सेट करूंगा, फिर एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव करूंगा, उसके बाद मैं यहां पे मैसेज दूंगा एमएसजी बॉक्स, यहां लिखूंगा फाइल हैव बीन एक्सपायर्ड, क्या जो भी मैसेज देना चाहते हैं लिख दीजिए, और फिर एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू, समझे। यहां पे एक कहां पे होगा, वर्कबुक ओपन पे होगा, पर दिस वर्कबुक पे डबल क्लिक कीजिए एंड वर्कबुक ओपन कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज आपको अपने ऑफिस के लैपटॉप में नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली ऑफिस में मेरे कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो है ही, और वो बोलते हैं कि सर देखिए क्या हुआ। देखिए अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जस्ट एक मेल आया है थोड़ा देर पहले, और मैंने उसको समझाया कि कैसे ठीक होगा। कहाँ गया, यहाँ पे इनबॉक्स में, ठीक है। इन्होंने एक फाइल भेजा है, बोला है कि सर ये जिंदल ग्रुप का फाइल है, कि मेरे पास एक डेटा है, इसमें उन्होंने ओपनिंग पासवर्ड लगा रखी है। अब मुझे इसको ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि फाइल तो ओपन ही नहीं करने देगा ना, ठीक कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें अपना माइक्रो सिक्योरिटी को डिसेबल करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि इवेंट माइक्रो तभी वर्क करेगा जब आपका माइक्रो सिक्योरिटी यहां अनेबल है। तो इसको क्या कर देना है, डिसेबल कर देना। डिसेबल करने के बाद जब आप माइक्रो फाइल ओपन करेंगे तो आपकी माइक्रो फाइल हो जाएगी ओपन, फिर आपका वो एक्सपायरी डेट वाला वर्क नहीं करेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे माइक्रो के अंदर में मैंने पासवर्ड भी लगाया हुआ है, तो अगर माइक्रो का एक कोड वर्क ना करे फिर भी फाइल तो लॉक तो है ही, पासवर्ड तो लग गया है, तो मेरा एक फुल प्रूफ है। हाँ, पासवर्ड ब्रेक करने के बाद कुछ किया जा सकता है, तो पासवर्ड अगर वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा है, तो बहुत सारे ऑनलाइन जो पासवर्ड ब्रेकर है, क्रैकर है, वो भी इसको क्रैक नहीं कर पाते। तो हमने क्या बताया कि आप क्या कीजिए, माइक्रो डिसेबल कीजिए, डिसेबल करने के बाद आप जो है अपने इस फाइल को कीजिए ओपन। जैसे इस माइक्रो डिसेबल करने के बाद इस फाइल को ओपन करेंगे, और इस फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड
नहीं लगा हुआ है। डिसेबल माइक्रो है। अब इसके डेवलपर टैब में अगर आप जाते हैं विजुअल बेसिक पे और यहां देखिए दिस वर्कबुक, ये देखिए, तो इन्होंने इसने क्या किया है कि एक एक्स एरिया ले लिया X F6, उस पे वो 5 लिख के रखता था, तो वहां पे अगर 5 से नीचे है, 5 से ऊपर है, कोई नंबर डाला हुआ है, तो जितना दिन चलाना रन करना उतना दिन का नंबर वो डाल देता था AFA6 के ऊपर, और देखता है कि अगर लेस देन 5 है तो फाइल को सेव करो, फाइल को क्लोज करो, उसके बाद क्लोज करो, उसके बिना XML को एक्टिवेट करो, डेटा एंट्री को सिलेक्ट करो, यहाँ पे मैसेज दे फाइल भी एक्सपायर। लेकिन एक कोड जो है ठीक है लिख रहा है आपको सर, तो एक कोड यहां से रीड कर दीजिए आपका वर्क चल जाएगा ठीक है। बट इसने क्या किया था, एक गलती और की थी कि इसने इस VBA कोड में पासवर्ड नहीं लगाया, जिस कारण से मैं इसका कोड देख पा रहा हूं। तो अगर आप चाहते कि मेरा फुल प्रूफ हो कि कोई भी इसको चेंज ना कर सके, तो आप क्या करेंगे कि आप अपना जो VBA प्रोग्राम है, जो विजुअल बेसिक है, उसके अंदर पासवर्ड लगा दें। कैसे, तो यहां टूल्स में जाइए, VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे आइए, यहाँ पे प्रोटेक्शन पे जाइए और यहाँ लॉक करके इसमें आप दे दीजिए अपना पासवर्ड। इससे क्या होगा कि बिना पासवर्ड का कोई कोड देख ही नहीं सकता। जैसे यहाँ देखिए सॉल्वर में डाला हुआ है, जब इस पर क्लिक करता हूं तो मुझसे पासवर्ड पूछता है, अब मैं पासवर्ड ना डालू तो मुझे इसकी कोडिंग दिखने को ही नहीं मिलेगी। ओके, तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग यहाँ पे होता है खत्म। अब इसके आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अगले की टॉपिक, आगे की क्लासेस की टॉपिक। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ठीक है सर, ये जो कोड आपने बनाया नीचे वाला, इसने बेसिकली काम कैसे कैसे किया थोड़ा सा एक्सप्लेन करा देंगे एक बार? सिंपल सा, इसने पहले कैलकुलेट करा सिस्टम डेट और स्टार्ट डेट के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, उसने करेंट डेट माइनस स्टार्ट डेट कर दिया, डेज आ गया, फिर चेक किया कि अगर डेट 30 से ज्यादा है तो बाय फाइल में लगाओ पासवर्ड, फाइल में करो सेव, मैसेज दो एक्सपायर का, फाइल में कर दो क्लोज। अच्छा, बेसिकली मंथली फाइल भी बनता है क्या? जैसे मंथली फाइल बन रही है तो उसमें डेट चेक करके? नहीं, जैसे कि आप मान, इसका यूज मैं करता था, जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी क्लाइंट ने बोला कि सुनील सर मुझे ए ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, मुझे इसका सॉल्यूशन का एक एक ऑटोमेशन ऑटोमेटेड फाइल बना दो, मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है, मैं अगर कुछ पैसा पे कर स्टार्ट करूँ तो चलो बात हमारी उसकी 10,000 रुपये डील हुई, उसने 2,000 रुपये दे दिया मुझे, मैंने फाइल दो चार पांच दिन 10 दिन फाइल पे काम किया, काम करने के बाद मैंने उनको दे दिया, वो ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ सब चीज ओके होगा तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब वो मेरा फाइल ही नहीं उठा, मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, उनको लगा कि अब तो मुझे फाइल मिल गया, अब सुजीत सर को पे करूँ ना पर क्या फर्क पड़ता है, अब मैं भी कोर्ट थोड़ी, मैं भी कोर्ट थोड़ी जाऊंगा बताने कि भाई मेरा पैसा क्यों नहीं दिया। तो मैं क्या किया, फाइल के अंदर में ये हैक लगा दिया कि 30 दिन तक आप फाइल को यूज कीजिए, इकतीसवां दिन फाइल हो जाएगा लॉक। अब 30 दिन का पूरा डेटा उनके फाइल में पड़ा हुआ, फाइल हो गया लॉक, फाइल ओपन नहीं हो रहा है, मैसेज देख लॉक हो गया। अब मुझे वो याद करेंगे, सुजीत सर आपका फाइल काम नहीं कर रहा है, हम क्या बोलेंगे कि जो 8,000 रुपया बैलेंस है वो डालिए तो फाइल काम कर जाएगा, या फिर मेरे जैसे किसी और को पकड़ेंगे कि यार मैंने फाइल बनवाया था, फाइल काम नहीं कर रहा है, एक्सपायर होकर लॉक हो गया, अनलॉक कर लो, तो चलो क्या करेगा वो पासवर्ड वगैरह का तोड़ के उसको अनलॉक कर देगा, तो फिर जैसे ही फाइल ओपन होगी ये वापस लॉक लगा देगा। तो उसके पास दो सोल्यूशन है, एक तो वो माइक्रो डिसेबल करके वर्क करे, लेकिन मैं क्या करूं किया कि हमने बहुत सारे चीजें जो बनाई वो माइक्रो में ही, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो यूज किया, अगर वो माइक्रो डिसेबल कर देता है तो फिर फाइल उसके लिए यूजलेस हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज,
कि अगर वो, ये दूसरा सोल्यूशन क्या है कि वो अपना सिस्टम डेट को कर ले, पासवर्ड अनलॉक करने के बाद सिस्टम डेट को कर ले पीछे, तब जाके वर्क कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये चीज है, तो इसलिए मैंने बोला आप अपने ऑफिस की फाइलों में ट्राई मत कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको जॉब छोड़नी हो तो सारे जितने फाइलों में आप एक्सपायरी लगा दीजिए, 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाए और 3 महीने बाद सारे फाइल लॉक हो जाए। ऐसा करते हैं और मुझे बहुत सारे कंप्लेन आते हैं क्योंकि एक्सपायरी वाला सिस्टम मैंने यूट्यूब पे डाला था 2011 के आसपास, उससे पहले आपको वीडियो नहीं मिले, 2011 या 10 में डाला था, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने मेरा ही नकल किया हो सकता है। अब मैं ऐसे फुल प्रूफ तो नहीं कर सकता लेकिन हाँ नकल किया होगा मेरा ही, या इत्तेफाक से मेरे दिमाग में आइडिया आया होगा या फिर मेरा वीडियो देखकर नकल किया, क्योंकि वो चैनल मेरा ब्लॉक हो गया है। 2014 में वो चैनल ब्लॉक हो गई थी किसी कारण से, क्योंकि उस समय पॉलिसी चेंज, हर 5 साल भी यूट्यूब की पॉलिसी चेंज होती है ना सर, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हुआ हुआ वीडियो वगैरह में तो अनलॉक कर दिया होगा। उस बारे में उस समय मैं, मुझे ये भी नहीं पता था कि उसको कैसे रिट्रीव करते हैं, तो मैंने नया चैनल एक बना दिया। ठीक है सर, एक चीज पूछनी है, अभी तो क्या तो इंडस्ट्री में है, अभी वीबीए के ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग या उसका वीआई वगैरह यूज कर रहे हैं? पावर बी आई अलग प्लेटफॉर्म होगा, अब कंपनी के पास अगर पावर बी आई होगा तो पावर बी आई यूज कर रहे होंगे, अगर पावर बी आई नहीं होगा तो पावर बी आई कैसे यूज करेंगे? ठीक है ना, लेकिन जहां एक्सेल यूज कर रहा होगा वहां पे तो एक वीबीए यूज होगा ही होगा, बगैर एक्सेल, बगैर वीबीए का एक्सेल यूज नहीं होगा सर। ठीक है, तो आज की जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, कल हम इस चीजों पे आगे बात करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कल से हम फंक्शन में भी फंक्शन शुरू करेंगे कल से। ठीक है सर, थैंक यू। Thank you.